सतलुज यमुना लिंक नहर, ये एक विषय सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से पेंडिंग है और उसमें लगातार पिछले दिनों में कई हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अमिकेबली कोई रास्ता निकालने के लिए केंद्र सरकार पहल करे। तो केंद्र सरकार की पहल के नाते से आज हमारे जो इरीगेशन मिनिस्टर हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और एक डिस्कशन जो हुआ है उसमें यही है कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉजिटिव इस नाते से कोई स्टैंड लेकर के, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन का ये विषय है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एसवेल का निर्माण होना चाहिए, तो वर्तमान में जो स्थिति है उसका एफिडेविट पंजाब सरकार केंद्र सरकार, हमने तो अपनी एक अपील की हुई है, हमने तो कहा कि इसको एसवेल को नहर को बनाना ही चाहिए, तो अगली बार पॉजिटिवली कोई ना कोई सोच विचार करके और एफिडेविट दें, ऐसा एक विषय आया है। और कुल मिलाकर के डिस्कशन जो है अमिकेबली हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो बात बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन अभी मान है कि मान नहीं रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि हम पॉजिटिवली सोच करके और कोई ना कोई एक एफिडेविट देने के बाद जो कही गई है वो केंद्र सरकार की ओर से ही जाएगा और वो केंद्र सरकार को लिख करके। लेकिन सर, वो बाहर आए तो मना कर रहे थे कि नहर बनाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पानी है नहीं हमारे पास, तो नहर किस लिए बनाई जाए। देखिए, विषय उतना ही है कि वो दो विषयों को जोड़ करके चल रहे हैं कि नहर बनाना और पानी है कि नहीं है। हम दोनों विषयों को अलग अलग करके बात कर रहे हैं कि नहर बनाना, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि उसको इसके साथ लिंक नहीं करना है, पानी जितना है जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से प्रोरेटा ही पानी जो मिलेगा। अभी 1.11 MF जो पानी पूरा होने के बाद भी वो हरियाणा को नहीं मिल पा रहा, लेकिन पानी कम है उस नाते से प्रोरेटा हमको मिलता है, पानी पूरा हो जाए तो भी प्रोरेटा मिलने के लिए नहर की आवश्यकता है, और वैसे भी वो नहर बहुत एक अल्टरनेटिव चैनल भी हमको चाहिए क्योंकि जब इतना बड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो कई प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं। बल्कि हमने तो यहां तक भी कहा है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जो वर्तमान भारत का मेन लाइन है तो इसका नुकसान पंजाब को ही ज्यादा होगा, हरियाणा को नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के एरिया में अगर कहीं टूटती है तो उसका ज्यादा पोर्शन पंजाब के एरिया में ही है, तो इसलिए उसका होना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द शेयर ऑफ वाटर, एक एग्जीक्यूशन है नहर बनने का, उसी विषय पर दोनों कायम हैं, तो भी इस बार सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है लेट अस सी। केंद्रीय मंत्री ने जब पंजाब ने ये कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, हरियाणा पानी के लिए जिस तरीके से काम कर रहा है, माइक्रो इरिगेशन को लेकर काम कर रहा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत साहब ने कोई नसीहत दी है सर उनको कि इस पे भी काम होना चाहिए पंजाब को? बिल्कुल ठीक बात है, जैसे हरियाणा के कई पहलुओं को केंद्रीय मंत्री शेखावत जी ने उसकी प्रशंसा की है, वाटर मैनेजमेंट ये अपने आप एक इशू है और फार्मिंग के भी कई इश्यूज हैं जिसको लेकर के एक कमेटी, हालांकि वो कमेटी अदर देन एसओएल इश्यूज पर पहले से बनी हुई है, दोनों चीफ सेक्रेटरी उसमें बैठते हैं, उसी का दायरा बढ़ा करके पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, रिचार्जिंग के विषय कैसे ज्यादा हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर जैसे हमने पानी का कम यूज करना है तो धान की बिजाई न करने के ऊपर इंसेंटिव दिया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस इसके ऊपर भी हमने कहा है, और माइक्रो इरिगेशन के ऊपर हमने जोर लगाया हुआ है, तो इन सब चीजों की तुलना केंद्रीय मंत्री जी ने की है कि हरियाणा जैसे इस प्रकार से कर रहा है तो पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। पंजाब में भी पानी का, क्योंकि जो जमीन का पानी है, लोग दोहन जो कर रहे हैं उसका, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का ट्यूबवेल लगा करके, वो पंजाब में भी काफी किसान कर रहे हैं, हमारे यहां भी काफी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खपत है धान की, तो धान की बिजाई के ऊपर भी हम सबको मिलकर के करना चाहिए। वो कमेटी दोनों आपस में बैठ करके इस पर जरूर प्रबंधन पर काम करेंगे ताकि पानी सबको मिलना चाहिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, तो पानी की आवश्यकता किसी की कम नहीं है, दोनों की है, लेकिन विषय तो है जो शेयर पहले एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से कम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोरेटा हो, ये विषय। क्या पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर चर्चा हुई है सर? पाकिस्तान को जब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संयुक्त पंजाब कर देना चाहिए, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब सब कुछ संयुक्त कर देना चाहिए, पानी का झंझट खत्म हो जाए। चलो अच्छा है, उनकी जो उनकी सोच है वो एक बड़ी सोच है, उस बड़ी सोच में कहीं कोई आपत्ति नहीं है,
सारा देश भी एक है, और अगर फिर से पंजाब एक होता तो किसी को आपत्ति नहीं है बैठ करके मॉडलिटी तय कर लिया। पाकिस्तान को जो पानी जाता है पंजाब ने स्वयं माना है कि हरिके डैम के ऊपर उस पानी को वो डाइवर्ट करके पंजाब में उपयोग करेंगे। इसका अर्थ जो हरियाणा की बात है कि ये पानी जो जा रहा पाकिस्तान को, तो पानी हरियाणा को ना दे करके पाकिस्तान को आज तक बहने दिया गया, जो कि आज वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। तो हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जा रहा, पंजाब उपयोग करे, हरियाणा उपयोग करे, आपस में बैठ करके हमें कभी उसका अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डेट है वो सुप्रीम कोर्ट की डेट में क्या विषय आता है उसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से अपना विवादित बयान जो उन्होंने जब बाढ़ आई थी उस समय जब दिया था कि अब हमारे पास पानी है अब दोबारा ले लो, ठीक वैसा ही तंज जो है आज मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा कसा, किस तरीके से देखते इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग के ऊपर जो है इस तरीके का रवैया? देखिए ये एक बहुत हल्का बयान है, इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखानी चाहिए। बाढ़ के समय बाढ़ आती है, सूखे के समय सूखा होता है, बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे मैं उनकी सोच को दाद देता हूं, जब उन्होंने बहुत वर्ष पहले कह दिया था कि हमको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये करना चाहिए, एक ही समय में कहीं कहीं तो बाढ़ आ जाती है, उसी समय कुछ इलाका देश में ऐसा होता है जहां सूखा पड़ता है, तो पानी का जहां आवश्यकता वहां भेजा जा सके, तो इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, और ये नहर बनने से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स ये विषय है तो ये होना ही चाहिए। पानी का बंटवारा तो जितना होगा उसको हम कर लेंगे। सर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में आकर अलग बयान देते हैं, पंजाब में अलग बयान देते हैं, आप ये कहेंगे सर आम आदमी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरियाणा के हितों की भी चिंता करनी चाहिए, अब वो हरियाणा से संबंधित? देखिए कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा मैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, दोगली नीतियां उनकी, हम एक ही स्टैंड पर रहते हैं, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज राजस्थान के भी नाते से जो पानी की वहां कमी है उसकी भी हमको चिंता होती है कि जितना पानी अवेलेबल होता है उसमें राजस्थान का शेयर है उनको मिलना चाहिए, बल्कि राजस्थान को भी एक फैसले के अनुसार जो पानी है वो हथनीकरण डैम से जाना चाहिए, उसके चैनल बनाने के लिए कई बार हमने राजस्थान को कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और जो शेयर आपका आप ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बरसात के दिनों में पानी हमारे पास यमुना भी पर्याप्त होता है पानी, बल्कि कई बार बाढ़ का कारण बनता है, तो उन बाढ़ के दिनों में पानी अगर राजस्थान ले जा सकता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया। असि उन्होंने एक कहा कि असी अपने पुराने स्टैंड से खड़े हैं कि साढ़े को पानी है नहीं, तो साडा जो 52 मिलियन एकड़ फीट चाहिए पंजाब नू पानी जी, जे असी हर खेत नू सिंचाई वाला पानी देना 52 MAF चाहिए, साढ़े को 14.5 है जी, 14.5 जी, जबकि साडा ग्राउंड वाला पानी जो 600 फुट 600-700 फुट चला गया जी, तो असी डार्क जोन के माननीय मंत्री जी ने गल कही है कि पंजाब जिहड़ा 70% पंजाब का जिहड़ा एरिया वह डार्क जोन के चला गया जिथों पानी बहुत ज्यादा कढ लिया गया, जिस हॉर्स पावर की मोटर नाल मैं अज गल कही है जिन्नी हॉर्स पावर की मोटर नाल तो जिन्नी डूंघाई बहुत थले हो पानी कढ़दे हां बिल्कुल उन्ने हॉर्स पावर की मोटर से उन्नी डूंघाई तो दुबई के तेल कढ़दे हो असि इस लेवल से चले गए, तो साडे कोल पानी है नहीं। हरियाणा का एक पानी लैंड का एग्रीमेंट सी यमुना तो जो 1994 जो है 30 साल हो गए, 30 साल में तो डैम नहीं बनिया, एक डैम नहीं बनिया, जबकि असि जनवरी तक साडा 206 MW का धार कलां ते साडा डैम बन रहा है, जिदे असि रावी ते डैम बना के 206 MW बिजली पैदा करांगे, एक नहर भी बराबर चलूगी, असी बहुत सारिया कोशिशां कर रहे हैं अपने धरती वाले पानी नू बचाउण दी, असी कस्सियां नाले नहरां रजवाहे पुराने ओह जिहड़े ने अंडरग्राउंड पाइपां पा के रिवाइव करन दी कोशिश कर रहे हैं, असी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों च पंजाब जिहड़ा वो पानी वाले पासों, क्योंकि साडे कोल पानी बहुत घट गया जदों इह एग्रीमेंट होया सी उदों 17 MAF पानी सी उहदे च, हुण उह 14-12 दे नेड़े रह गया, एक बूंद पाकिस्तान नूं नहीं जांदी जी, एक बूंद जे जांदी है पाकिस्तान नूं तां 5 MAF जिहड़ा चनाब तों रावी नूं आउणा सी उह सारा पाकिस्तान नूं जांदा चनाब तों, ठीक है ना, इंडिया वल्लों हां हड़ जदों आए सी उदों असीं पुछिआ सी इहनां नूं कि हुण चाहीदा पानी, कहिंदे नहीं, तो फिर डुब्बण नूं थोड़ी रखिआ सी, उदों थोड़ा बहुत हरीके पत्तन तों असीं पाकिस्तान नूं छड्डिआ, पर पंजाब अपने हिस्से दा पानी वरतूगा, एक एक बूंद वरतूगा, राजस्थान नूं भी दे रहे हां,
जो इन्होंने पहला एग्रीमेंट किए हुए ने पता नहीं वो किवें ने, वो पोलीटिकल लोगों ने जो पहला फैसले किए ने, पर अज की डेट च मैं बतौर मुख्यमंत्री कह रहा कि साढ़े को पानी है नहीं, तो असी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी इस गल तो अवगत कराता, इस गल तो जाणू कराता। बाकी अगे चार 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 जनवरी असानू मान मान जो कोर्ट के।